नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मज़े में? हाँ, तो आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में इकाई 6 रसिका पिटारावणी पढ़ेंगे। हमें हर रोज़ मज़े में ही रहना चाहिए, यानी कि खुश रहना चाहिए। जीवन में हंसी का बड़ा महत्व है। कहीं ना कहीं से हमें हंसी प्राप्त हो जाती है। जीवन में दुख को भुलाकर हमें खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसीलिए आपकी किताब में भी कुछ चुटकुले दिए गए हैं, जिसे पढ़कर हमें बहुत हंसी आएगी। बच्चे, आप भी एक दूसरे को चुटकुले कहते होंगे और हंसते होंगे, तो हमें हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। चुटकुले कहने से हमारी जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति का कौशल बढ़ता है। भाषा का अर्थ हमें समझ में आता है और हम किसी के साथ खुले मन से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ चुटकुले दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे हम। पहला चुटकुला है कि माँ अपने बेटे को कहती है, क्या कहती है कि बाहर गेहूँ सूखा हुआ है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि गाय आकर गेहूँ न खा जाए। बेटा ने कहा, ठीक है। बेटा गाय गेहूँ की रक्षा करने के लिए बाहर बैठा है। वो क्या ध्यान रखता है कि गाय आकर गेहूँ न खा जाए, गधा आकर गेहूँ खाता है। थोड़ी देर में माँ वापस आती है और वो क्या देखती है कि गधा गेहूँ खा रहा है। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, ये क्या गधा गेहूँ खा रहा है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया कि माँ, तुमने तो कहा था कि गाय गेहूँ न खा जाए, वही ध्यान रखना है। तो यहाँ बेटा सिर्फ अपनी माँ का जो वाक्य किया है, कहा है, उसके आधार पर कार्य करता है। मैंने कुछ बच्चों को प्रश्न पूछा कि बताओ, गुजरात का पाटनगर कहाँ है? तो एक लड़का बहुत होशियार था, वो खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने कहा, बताओ गुजरात का पाटनगर कहाँ है? तो उसने क्या उत्तर दिया, पता है आपको? उसने कहा, गुजरात का पाटनगर गुजरात में है। मैंने दो लड़के बैठे थे तो मैंने उसे पूछा कि हमें भगवान ने पेट क्यों दिया है? तो उस एक लड़के ने मुझे उत्तर दिया कि पेट भरने के लिए। तो दूसरा बोला, नहीं नहीं, पेट पैंट पहनने के लिए दिया है। आगे देखो कि दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, दीपक मिठाई नहीं खाता। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। उसमें हमें व्याकरण में क्या सीखना है? कर्ता, कर्म, क्रियापद, सर्वनाम, वही सीखने का है। तो यहाँ यही बताना है कि दीपक क्या है। तो पहला दोस्त ने कहा कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया?
मूर्ख है, क्योंकि हमारे सामने मिठाई हो और हम नहीं खाए तो मूर्खी कहलाए ना। लेकिन यहाँ व्याकरण का प्रश्न था, उसे यही बताना था कि दीपक कर्ता है, कर्म है या क्रियापद है। आगे मालिक ने कहा नौकर से कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझे बताया कर, मुझे बताने के बाद ही तुम्हें काम करना है, मुझे पूछना, मैं बताऊँ वही काम आप तेरे को करना है। नौकर ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद आया मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगाऊँ? यहाँ नौकर सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानता है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो दुकानदार ने क्या कहा कि यहाँ खाओगे या घर ले जाकर खाओगे, पैक करके दूँ या यहाँ खाओगे आप? पांचवा देखो, रामू श्यामू को देखकर बोलता है, क्यों क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू श्यामू को देखकर क्या कहता है, क्यों बे गधे को लेकर क्या जा रहे हो? तो श्यामू ने कहा, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू ने क्या कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। चिंटू ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आज देर रात तक पढ़ता रहा, 1:30 बजे तक पढ़ता रहा। तो पिताजी ने कहा 11 बजे तो लाइट चली गई थी। तो चिंटू ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? चिंटू ने कहा, पिताजी मैं पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट कब चली गई। सोनू का सिर फट गया, वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर डॉक्टर मेरा सिर फट गया। डॉक्टर ने कहा, कैसे तेरा सिर फट गया? तो सोनू ने कहा कि मैं दीवार पे खूंट लगा रहा था। तो पड़ोस वाले अंकल ने कहा कि कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कर। तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मेरा सिर फट गया। तो बाल दोस्तों, इसी तरह हमें जीवन में कहीं न कहीं से भी चुटकुले प्राप्त होते हैं और चुटकुले सुनकर या दूसरों को सुनाकर हमें खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यह अभ्यास दिया गया है तो हम अभ्यास के बारे में देखेंगे। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए इन्हें कहे और प्रोत्साहित करें। आपको घर जाकर अपने दोस्तों को या अपने भाई बहन को चुटकुले सुनाने हैं। दूसरा प्रश्न है कि पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए। आपके घर कुछ पत्रिका आती होगी या न्यूज़पेपर आता होगा, उसमें से आपको चुटकुले ढूंढने हैं और उसका कटिंग करके आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी के विरुद्धार्थी शब्द। विलोम शब्द लिखने का है और उसका उत्तर भी लिखने का है। यहाँ दो
कोष्टक दिए गए हैं। दो बॉक्स है, एक में विलोम शब्द दिया गया है और दूसरे में उसका उत्तर दिया गया है। विलोम शब्द लिखने के बाद उस शब्द का वाक्य प्रयोग भी हमें करना है। तो पहला है गलत, तो उसका उत्तर आप दूसरे में से ढूंढना है, तो क्या आएगा? सही। अब हमें इसको वाक्य पर प्रयोग करने का है जो उदाहरण में दिया गया है कि मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन यह गलत था। दूसरा शब्द हम इस बॉक्स में लेंगे और दूसरे में से हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। दूसरा शब्द है मूर्ख, मूर्ख का विलोम शब्द ढूंढो तो क्या होगा? बुद्धिमान। हमें इस शब्द का वाक्य प्रयोग करना है और दोनों शब्द एक ही वाक्य में आने चाहिए। मोनू को सब मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। मोनू को सब मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। इसी तरह दोस्तों आपको विलोम शब्द लिखने का है और वाक्य में प्रयोग करने का है। दूसरा शब्द है दिन, दिन यानी विलोम शब्द ढूंढिए। रात, दिन का विलोम शब्द है रात। वाक्य प्रयोग कीजिए, मनुष्य दिन में काम करता है लेकिन रात को सो जाता है। तीसरा शब्द है सूखा और उसका विलोम शब्द है गीला। सोनू का सूखा गणवेश बारिश आने से गीला हो गया। आगे देखो, सुबह, तो उसका विलोम शब्द है शाम। सुबह शाम, सुबह में बारिश का वातावरण था, सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक बारिश नहीं आई। दोस्त, तो दुश्मन यानी शत्रु, सभी भारतवासी मेरे दोस्त हैं लेकिन कोई मेरा दुश्मन नहीं है। सभी भारतवासी मेरा दोस्त है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। इसी तरह आपको विलोम शब्द दोनों बॉक्स में से ढूंढ कर लिखने का है और सभी शब्दों का वाक्य प्रयोग करने का है। प्रश्न चार, इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए। यहाँ भी दो बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने का है। कौन सा शब्द ढूंढने का है? पर्यायवाची शब्द ढूंढने का है। यह एक वाक्य दिया गया है कि दोस्त, दोस्त यानि मित्र।
उसको आपको दो वाक्य में वाक्य प्रयोग करने का है। तो यह कहेगा कि राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। मूर्ख, हमें मूर्ख का पर्यायवाची शब्द क्या ढूंढेंगे हम? बेवकूफ। मूर्ख यानी बेवकूफ। वाक्य प्रयोग करने का है, हमें मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रहना, हमें मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें बेवकूफ व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। सभी पर्यायवाची शब्द बॉक्स में से ढूंढ कर लिखने का है और उसका वाक्य में प्रयोग करने का है। आगे देखो, सुबह, सुबह यानि प्रातःकाल, सुबह प्रातःकाल। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। आगे है वक्त, वक्त यानि समय। हमें वक्त का सही उपयोग करना चाहिए, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह विलोम शब्द ढूंढ कर लिखने का है और उसका वाक्य में प्रयोग करने का है। दूसरा, पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर उसका दो दो वाक्य बनाने हैं और आपको अपने कापी में लिखने का है। गृह कार्य में आपको ये काम करने का है और न्यूज़पेपर में से या कहीं पत्रिका में से अगर आपको चुटकुले मिले तो उस चुटकुले का कटिंग करके आपको अपनी कापी में लगाना है। नमस्ते।